हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में मींस एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा कि किस तरह से हम किसी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन दी गई थी, तो किस तरह से हमने उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया, उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया और साथ ही उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। इसके बाद आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा आज के लिए टॉपिक है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली एक्सरसाइज से सीखा है कि जब हम किन्हीं भी टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में जो ग्राफ बनता है उनका, उसमें थ्री केसेस हो सकते हैं। एक तो केस ये हो सकता है कि जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो एक लाइन के कोरस्पोंडिंग ग्राफ ये हुआ और दूसरी लाइन के कोरस्पोंडिंग ग्राफ ये हो गया, मीन्स वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यानी कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिले, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करें तो आपने एक लाइन का ग्राफ प्लॉट किया तो ये इस तरह से मिला और दूसरी जो लाइन है वो हमें इस तरह से मिली, यानी कि इस केस में कहीं भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि इस केस में हमारे पास क्या पैरेलल लाइंस हमें मिली। इस केस में जो लाइंस है वो कैसी है, पैरेलल लाइंस। और तीसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है आपने एक लाइन प्लॉट की, मान लो सपोज करो यहां से कोई भी दो पॉइंट इस तरह से आए हैं, कोई टू पॉइंट्स उसके कोरस्पोंडिंग आपने प्लॉट की, फिर अगले टू पॉइंट्स कुछ इस तरह के आ गए उसको प्लॉट किया, मीन्स आपको दो लाइन मिली ही नहीं, एक्चुअल में एक ही लाइन मिली हमें। तो यहां पे जो लाइंस है वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि लाइन कोइंसाइड करेगी, यहां पे लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और यहां पे लाइन पैरेलल है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किन्हीं भी टू लीनियर इक्वेशंस को तो वहां से हमें ये थ्री सिचुएशंस मिलती है, यहां पे हमें ये थ्री सिचुएशंस मिलती है। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसको समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। सपोज करें हमारे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हमने वन लीनियर इक्वेशन ली है इन टू वेरिएबल, वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज पॉइंट 1, 1 अ सॉल्यूशन ऑफ
अबव इक्वेशन यहां पे ये क्वेश्चन है कि ये जो 1-1 पॉइंट है क्या इस ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन आई है हमारे पास क्या इसका सॉल्यूशन है। तो कोई भी पॉइंट किसी लाइन का सॉल्यूशन कब होता है जब वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। मींस हम ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे 1 पुट कर देते हैं और वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे भी 1। तो 2 × 1 + 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 5 देन 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 5 = 5 तो ये क्या है ट्रू है। सो यस 1-1 इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन या फिर इक्वेशन 1 कि जो 1-1 है इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। ठीक इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए यही बात आपसे 2-3 पॉइंट के लिए पूछी जाए व्हाट अबाउट 2-3 तो एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 × 2 वाई की जगह पे 3 पुट करेंगे 3 × 3 दैट इज 5 4 + 2 × 2 = 4 3 × 3 = 9 दैट इज इक्वल टू 5 13 = 5 तो नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है तो हम लिखेंगे सो 2-3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कि 2-3 है जो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन नहीं है। अब यहां से सॉल्यूशन के बारे में हम एक बात तो पता चल गई कि किसी लाइन के कोरिस्पोंडिंग सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि वो जो पॉइंट है अगर हम उसके अंदर पुट कर देते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। यहां पे सॉल्यूशन का ये मीनिंग है जब हम बात कर रहे हैं 1 लीनियर इक्वेशन की इन 2 वेरिएबल्स में। अब हम डील कर रहे हैं 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2 है और 2 ही वेरिएबल है। तो आइए देखते हैं कि 2 लीनियर इक्वेशन या फिर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कंटेक्स्ट में जो सॉल्यूशन है इसका उसका क्या मीनिंग है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम 2 लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। एक हम लिख लेते हैं AX + BY + C = 0 तो यहां पे एक और इसी तरह से लिखेंगे AX + BY + C = 0 तो यहां A1, B1 और C1 कर देते हैं और इसको अलग दिखाने के लिए A2, B2 और C2 कर देते हैं तो हमने क्या ली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले ली और इनका जो ग्राफ होगा वो 3 वे से हो सकता है 3 तरीके से हो सकता है यानी कि यहां पे जब उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे या तो ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी या फिर ये दोनों लाइनें कैसी होगी ये कोइंसिडेंट होगी यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। तो ये जनरल फॉर्म है हमारे पास जनरल फॉर्म में हमने 2 लाइंस लिख दी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 हो जाएगी लाइन 1 होगी और ये लाइन 2 होगी। अब सपोज करो ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं 1 पॉइंट पे यहां पे मींस ये जो पॉइंट है वो सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये लाइन 1 पे भी है
और ये लाइन टू पे भी है। तो ये लाइन वन पे है तो लाइन वन का सोल्यूशन है, ये लाइन टू पे है तो लाइन टू का भी सोल्यूशन है। लेकिन मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये लाइन टू पे है यानी कि लाइन टू का तो सोल्यूशन है ये, लेकिन लाइन वन पे नहीं है तो लाइन वन का सोल्यूशन नहीं है। और हमें सोल्यूशन किसका निकालना है, पेयर का, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। यानी कि यही वो पॉइंट है जो लाइन वन पे भी है और जो लाइन टू पे भी है। तो ये जो पॉइंट है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां पे एक्स एक्सिस की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें, और यहां से जब हम इधर जाएंगे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाई की जो वैल्यू मिलेगी, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिली है हमें यही हमारा सोल्यूशन होगा, यहां पे जो दो वैल्यू मिलेगी हमें ये यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ये इस केस के लिए सिचुएशन है, ये हमारे पास सिचुएशन होगी इस केस के लिए। तो यहां पे जब लाइन इंटरसेक्ट करती है आपस में तो हमें वन सॉल्यूशन मिलता है, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड केस के लिए, यानी कि यहां से हमें ये तो बात क्लियर होती है सॉल्यूशन का मीनिंग है पेयर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग ये है उन पॉइंट से जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर ये वो पॉइंट जो दोनों लाइन्स पे है। तो यहां पे एक ही पॉइंट है जो दोनों लाइन पे है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर ओनली वन सॉल्यूशन, ये भी हम इसको कह देते हैं। अब सेकंड केस पे चलते हैं। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कोई पॉइंट अगर इस लाइन पे है इसको हम लाइन वन मान लेते हैं और इसको लाइन टू मान लेते हैं। कोई पॉइंट अगर लाइन वन पे है तो वो वन का सोल्यूशन है, तो वो टू पे नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों पैरेलल है, तो वो टू का सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई पॉइंट टू पे है तो वो टू का सोल्यूशन है, वो वन का सोल्यूशन नहीं हो सकता। और पेयर के सोल्यूशन का मतलब कौन सा है, जो लाइन वन पे भी हो और जो लाइन टू पे भी हो। तो ऐसा कोई सीन यहां पे नजर नहीं आ रहा, ऐसी कोई सिचुएशन यहां पे बन नहीं रही कि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो इक्वेशन वन को भी सेटिस्फाई करे और जो इक्वेशन टू को भी सेटिस्फाई करे। तो इस केस के लिए जो सोल्यूशन होते हैं वो है नो सोल्यूशन, इस केस के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ये पैरेलल लाइन है तो यहां पे कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड केस के लिए। थर्ड केस में हमारे पास क्या है, थर्ड केस में कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है तो यहां पे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। यानी कि ये इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो लाइन वन पे भी है, लाइन वन भी यही है और लाइन टू भी यही है। तो ये जो पॉइंट है वो लाइन वन पे भी है टू पे भी है तो सॉल्यूशन है, ये भी जो पॉइंट है वो वन पे भी है टू भी है ये भी सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है वो वन पे भी है टू पे भी है तो ये भी सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है वो वन पे भी है टू पे भी है तो ये भी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे जो सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पे जब हम कोइंसिडेंट लाइंस की बात करते हैं, जो लाइन आपस में कोइंसाइड करती है, कोइंसिडेंट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसके सॉल्यूशन क्या, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है क्योंकि दोनों सारे के सारे पॉइंट लाइन वन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और लाइन टू को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि इस केस में जो सॉल्यूशन है वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, क्या कंडीशन है जिससे हम चेक करके
बिना ग्राफ प्लॉट करे भी ये बता सके कि ये जो लाइंस है क्या कंडीशन है, रिपीट करो कि जिससे हम बिना ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ प्लॉट करके तो आप बता ही देंगे कि लाइंस कैसी है, और लाइंस को देख के आप बता दोगे कि सॉल्यूशन कैसा है, लेकिन क्या कंडीशन है जिससे आप ये बता सके बिना ग्राफ प्लॉट करे लाइंस के कि जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको ये जो लाइन वन है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह से दूसरी और लाइन में एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास हम निकाल लेंगे पहले। अब अगर हमारा a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल नहीं है b1 डिवाइड बाय b2 के, अब अगर हमारा a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल नहीं है b1 डिवाइड बाय b2 के, तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मींस लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब सेकंड केस या थर्ड केस, अब सपोज करो कि a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल हो जाए b1 डिवाइड बाय b2 के, तो एक केस और बनेगा कि ये c1 बाय c2 के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब a1 बाय a2 अगर इक्वल नहीं है b1 बाय b2, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां से हमें पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर ये इक्वल हो जाए तो हम c1 बाय c2 चेक करेंगे, तो या तो ये इक्वल होंगे या फिर ये इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन मींस जो लाइंस है वो कैसी है? पैरेलल है। और अगर ये इक्वल है मींस a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मीनिंग हो जाएगा इसका। अब यहां से सॉल्यूशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे या इनकंसिस्टेंट करेंगे, ये एक और वर्ड है। कंसिस्टेंट मींस हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, और इनकंसिस्टेंट मींस हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो क्या इस केस में सॉल्यूशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, तो इस केस को हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस केस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ये है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, और इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया, बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये भी हमारे पास क्या है? कंसिस्टेंट। ये भी हमारे पास क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जब हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यहां पे भी कंसिस्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। इसको हम, इसके लिए यहां पर हम जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या होता है कि इसको हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी इसको बोल देते हैं। डिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यहां पे क्या होता है कि a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2, c1 डिवाइड बाय c2 इक्वल है, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में इस केस के लिए क्या डिफरेंस होता है? जैसे मान लो कि इक्वेशन है, दूसरे वाले जो इक्वेशन होगी इसके 2 से मल्टीप्लाई करके मिली हो, 3 से मल्टीप्लाई करके मिली हो, 4 से मल्टीप्लाई करके मिली हो, ऐसी होती है। तो यहां पे ये आपको ध्यान रखना है, जो कंसिस्टेंट है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम उसको डिपेंडेंट भी कह लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो 2 लाइन्स है आपके पास, अगर 2 लाइन्स में एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा होता है एक्स्ट्रा, बस इतना ही है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। जैसे मान लो एक हमारे पास लाइन है
2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 4x प्लस 6y प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखो a1 डिवाइड बाय a2 मींस 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 6 और 6 डिवाइड बाय 12। देखो आप इनको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। तो सारे इक्वल है, सारे इक्वल है तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो यही बन जाए, यानी कि एक्चुअल में ये जो ए की लीनियर इक्वेशन है उसके 2 फॉर्म्स है, उसकी 2 फॉर्म्स है। जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती है, जैसे 1 डिवाइड बाय 2 और 2 बाय 4 ये की बात होते ना, तो इसी तरह से हमारे पास ये इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशंस है, इनमें कुछ ज्यादा सा चेंज नहीं है। तो इसी वजह से एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है। आप इसको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो यही बन जाएगा, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही बन जाएगा, बाकी केस में ऐसा नहीं होगा, ये बात आप नोट करेंगे। तो यहां पे ये बेसिक डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारा जो बेसिक है इस एक्सरसाइज के लिए वो कंप्लीट हो जाता है। और यहां पे हमने इस बेसिक में बेसिकली क्या सीखा, सबसे पहली बात कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, उसके सॉल्यूशन का मीनिंग का मतलब उन पॉइंट्स से है जो दोनों लीनियर इक्वेशंस पे है, इनके दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब वो पॉइंट हमें मिल भी सकता है और वो हमें नहीं भी मिल सकता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 3 वे से हो सकता है, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, या वो पैरेलल लाइन हो सकती है, या वो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वन पॉइंट ऐसा मिलेगा जो लाइन 1 पे भी होगा और 2 पे भी होगा, यानी कि हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा। वन सॉल्यूशन को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो दोनों लाइंस पे है, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, यानी कि हर एक पॉइंट दोनों लाइंस पे है, लाइन जो पॉइंट लाइन 1 पे है वो लाइन 2 पे भी है, जो लाइन 2 पे है वो लाइन 1 पे भी है, यानी कि हर एक पॉइंट पूरे पेयर का सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि यहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उसको बोलते हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसको हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन हमें वन सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिल सकता है और सॉल्यूशन हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल सकता है। तो वन सॉल्यूशन के केस में भी कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में भी कंसिस्टेंट। यहां पर पैरेलल लाइन के केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिला तो ये हमारे पास हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं कि बिना ग्राफ प्लॉट करें हम कैसे पता लगाएं कि जो लाइंस हैं उनका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो बहुत सारी बातें हैं, बिना ग्राफ प्लॉट करें हम कैसे पता लगाएं कि 2 लाइंस हैं उनका ग्राफ कैसा बनेगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई के कोफिशियंट्स और कॉन्स्टेंट हम देख लेंगे दोनों इक्वेशंस में, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर हमारे पास आ जाता है हम a1 डिवाइड बाय a2 b1 डिवाइड बाय b2 और c1 डिवाइड बाय c2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब अगर a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल नहीं आता है b1 डिवाइड बाय b2, मींस a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इसका मतलब जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ जाता है तो हम c1 बाय c2 चेक कर सकते हैं, करते हैं कि इक्वल है या नहीं है।
अगर ये इक्वल नहीं आया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब अगर ये इक्वल आ गए तो हम चेक करेंगे C1/C2। तो अगर ये C1/C2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि जो लाइंस है वो कैसी आपस में पैरेलल लाइंस है, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाता है तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगी, क्योंकि लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, कॉन्साइड करेंगी लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, यानी कि हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, इट मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, और जो सॉल्यूशन होगा सिस्टम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है। और यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड इस केस के लिए लिख दिया जाता है, क्या, डिपेंडेंट, क्योंकि देखो ये जो इससे जो हमारे पास टू लाइंस होगी उनमें कांस्टेंट के मल्टीपल का ही फर्क होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा होगा, तो अगर हम उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो दोनों लाइनें एक जैसी ही हमें मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे इस वजह से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गए, यानी कि हमने एक लाइन प्लॉट की, दूसरी लाइन भी एक्चुअल में वही है, बस उसको क्या कर रखा है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वहां पे लिख रखा है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक, और ये हमारे पास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, जो ये जो बेसिक है, ये जो हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज को समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मैथ सब्जेक्ट में परफेक्शन आती चली जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।